सलमान खान की फिल्म राधे को करार कर दिया गया फ्लॉप। आईएमडीबी ने दी बेहद खराब रेटिंग्स, बट फैंस ने बचा ली इज्जत और बना दिया मूवी को मोस्ट वॉच फिल्म रिलीज के डे वन पर ही। सलमान नहीं रोक पाए खुद को इमोशनल होने से, किया फैंस का शुक्रिया अदा। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। सलमान खान और दिशा पाटनी स्टारर राधे या मोस्ट वांटेड भाई दर्शकों के साथ सही तालमेल बिठाने में असफल रही है। कोरोना काल में लोगों के लिए ओटीटी पर रिलीज की फिल्म को लेकर काफी बज बना था, लेकिन आईएमडीबी पर सलमान खान की फिल्म को बहुत घटिया रेटिंग्स मिली। वहीं दूसरी तरफ भाईजान के फैंस ने तो ओटीटी पर इतिहास रच दिया और राधे को एक दिन में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बना दिया है। आपको बता दें कि राधे की आईएमडीबी रेटिंग्स लगातार गिर रही है। कल ये 2.5 थी और नीचे जाते हुए ये 2 पे आ गई है। राधे ओटीटी और सिनेमाघरों दोनों में ही रिलीज की गई है, लेकिन Z5 पर रिलीज होने वाली राधे को ज्यादातर फैंस ने ओटीटी पर ही देखा। वेल, सलमान खान ने इसलिए फैंस को शुक्रिया भी कहा, एक इमोशनल नोट शेयर किया और लिखा, राधे फिल्म को रिलीज के पहले ही दिन सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्म बनाकर आप लोगों ने मुझे शानदार रिटर्न गिफ्ट दिया है, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म इंडस्ट्री आपके प्यार की वजह से ही है, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल, सलमान खान की फिल्म के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि उनकी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया हो और आईएमडीबी पर रेटिंग्स के मामले में पीछे रह गई हो। इससे पहले भी उनकी कई फिल्मों ने बम्पर कमाई की है, लेकिन आईएमडीबी पर फ्लॉप साबित हुई है। टाइगर जिंदा है, रेस 3, दबंग 3 के साथ पहले ऐसा हो चुका है। वेल, आपको कैसी लगी योर मोस्ट वॉन्टेड भाई सलमान खान की राधे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।